अनयो किम घनीच भाव करणीय सूत्र में भाव करणयो ऐसा आपने क्यों कहा, भाव और करण कारकों में करण लिया, अन्य अर्थों में अर्थ अन्य कारक व्युत्पत्ति करोगे तो नकार का लोप नहीं होगा, इसका तात्पर्य इस दृष्टांत के रज्जति अस्मिन् इति रंग अधिकरण कारक कर्तव्य व्युत्पत्ति कर दिया, रज्जति अस्मिन् मनोरंजन प्राप्त करते हैं लोग जिसमें, उसका नाम रंग रंज धातु से घय घय का कार्य रंज न मिला दे रंज। अब यहां पर क्या हुआ, ज को कुत इस उससे चीजों को गिण्य तो ग हो गया, ग कई योग अनुसार प्रसारण होकर के हो गया रंग रंगशाला रंग भूमि ही ये सब होता है जब नाटक किया जाता है, जब कुश्ती होता है देखकर सब लोग आनंदित होते हैं मनोरंजन होते हैं खेल खेला जाता है सबको रंगशाला कहते हैं रंग भूमि, या नकार का लोक नहीं हुआ ये इसके फल है। निवास चिति शरीरोप समाधानेशो आदेश चक्का हा। निवास चिति शरीरोप समाधानेश वादेश चक्का हा। समाधानेशु तक सप्तमी का बहुवचन आदेह षष्ठी का एक वचन च अव्य कह प्रथमा का एक वचन एश चिनोतेर घय इन अर्थों में ची चिने धातु से क्या होगा घय प्रत्यय होगा, आदेश चककार और धातु के जो चकार है उसको ककार आदेश हो जाएगा, आदेश में धातु का आदि अवय कौन है वो च उसको हो जाएगा क आदेश। उपसमाधानम कर दिया राशिकरणम, उपसमाधानम कर दिए राशिकरण निकाय निवास का अर्थ में धार अर्थ नियुक्त पूरक ची चेने धातु से घय नी ची घय घय कह नी ची धन अ ची को वृद्धि आया आदेश निचाय चकार को ककार हो गया निकाय मैंने घर आवास। शरीर अर्थ में काय शरीर अर्थ में काय चित्ती अर्थ में यानी बता रहे हैं कि वह सीधा शरीर अर्थ में चला गया काय और चित्ती अर्थ में भी सीधा ले सकते काय अग्नि, अग्नि के एक नाम है काय यज्ञ में अग्नि का जो स्थल होता है उसको चित्ती बोलते हैं, यज्ञ में जो अग्नि स्थापना का स्थल है उसको चित्ती बोलते हैं, उसको अग्नि का चयन किया गया, अग्नि का चयन जहां किया जाता है उसका नाम चिति, उस अर्थ में हो गया काया कायाग्नि बोल देते इसीलिए। शरीर भी काया शरीर को भी क्या बोलते हम लोग काय ची से गए गए क वृद्धि आया आदेश चकार को ककार काय। गोमय निकाय गोमय का ढेर लगा हुआ है, ढेर लगाना अर्थ समाधान उपसमाधान उपसमाधान में ढेर लगाना राशिकरण खूब 100-150 की इकट्ठा कर दी ढेर लगा दिया किसका गोमय का ढेर है गोबर का ढेर गोमय मैंने गोबर गोबर का ढेर लगा हुआ है इस अर्थ में हो गया गोमय निकाय गोमयस्य निकाय गोमयम निचीयते इति गोमय निकाय चीयते अस्थियादिकम अत्र विग्रह क्या करूंगा शरीर के लिए चीयते अस्थियादिकम अत्र जिसमें हड्डी आदि का चयन किया गया सम्यक प्रकार से संस्थापित किया गया उसको कहते काय शरीरम और गोमयानां चयनम अत्र गोमयों का चयन किया गया एकत्र किया गया है जहां उस जगह का नाम गोमय निकाय। जब पूर्व पद में है यहां इसलिए क्या करेंगे हम पहले तत्र पदम सप्तमी स्थम उपद्मतिंग समास गोमय से पर में आया हुआ गोमया नाम या गोमयस्य जो षष्ठी था उसको लुक शुभ धातु प्रातिपदिक समास का प्रसंग है प्रातिपदिक शुभ लुक हो गया फिर गोमय उपपद में रहते हुए ची धातु से घय हो गया घय कहो ची को वृद्धि आयादेश चकार को ककार गोमय निकाय नियुक्त सपूरक बना जाए।
ए रच, ए पंचमी का एक वचन, अच प्रथमा का एक वचन, ई वर्णांतात अच्यात, ई वर्णांत धातुओं से भाव अर्थ में अच प्रत्युत है, प्रात भय को बाध करके अच कर दिया। अच प्रत्यंत, यदि भी दोनों में अ ही बच रहा है ना, गय में भी अच में भी अ, इन फर्क क्या है, गय में इत है, इत से वृद्धि होता है, अवच में वृद्धि नहीं होता, ये अंतर हो जाता है। दृष्टांत देखिए दे रहे हैं, चय उसी चीज चय धातु का रूप दे रहे जान करके, चय चीयते चय, चयन किया जाता है, जो इकट्ठा करता है, चुनता है, वो फूल है फल है चुगता है ना, चुनना इकट्ठा करना इस तरह से, चय ची से अच, अच गह बचे अर्ध संज्ञा सार्थक अर्ध गुण हो गया, चेदन अयादेश चय, जी जेद से जीतना, जयती जय, जी धातु से अच, अच का गुण आयादेश यहां पर युवा जय, रीदोरप, रीदो पंचमी का एक वचन, अप प्रथमा का एक वचन, दीर्घ रिकारांत धातु और उवर्णांत धातुओं से परे अप प्रत्यय हो भाव में, रीत और उच्च उच्चित रिदु, रिदु पंचमी क्या होगा, रिदो हो उकारांत हो ना, रिदु दीर्घ कारांत का दृष्टांत, रीदंतात वर्णांतात अप्रत्यस्यात भाव है, क्री विक्षेपे धातु है बिखेरना व्यर्थ है, और संज्ञा में रूढ़ होता है तो करा बने हाथ, क्री धातु से अप, अप का और फल क्या है, अच्छा और अप में अंतर क्या है, तभी तो वही बच रहा है, कहते अच में चित स्वर होता है, अप में पित स्वर होता है, सुपिताऊ अनुदाताऊ, पित होने से अनुदात हो जाएगा ये, और वो चिति अंतोदात, ये अंत उदात हो जाता है, ये अंतर है, स्वर में भेद होता है, रूप में तो चाहे अच करो अप कर दोनों में अर्थ संज्ञा है गुणाधिकारी वैसे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रीदन अ, क्रीदन अ आर संज्ञा हुआ, क्री गुण हो गया, रपर होकर के कर अर हो गया ना, कर ग्री निगरण है निकलना, ग्रह और रूढ़ भी होता है जहर अर्थ में, जहर होता ना पॉइजन, उसे ग्रह बोलते गरम, क्रियार्थ भी है भाव में और संज्ञा में रूढ़ भी हो रहा है, ये दोनों अर्थ लिया जाता है, करह का अर्थ है बिखेरना और हाथ दोनों अर्थों का, और ग्रह का अर्थ निकलना भाव क्रियार्थ में, सिद्धावस्था में रूढ़ होकर संज्ञा में क्या हो गया, जहर को बोलते हैं ग्रह, लवह लुई छेदने काटना, लुनातीत लवह छेदना काटना अर्थ हो गया, और भी अन्य अर्थ में क्या है, किंचित लव कनिका पीता, लव मने थोड़ा लेश थोड़ा सा अंश, भाव भाग अर्थ में भी प्रयोग होता है लव, स्तव स्तूयते स्तव स्तुति करना, और स्तोत्र अर्थ में भी है, स्तवराज बोलते हैं स्तवराज, तो स्तोत्र में श्रेष्ठ, गुण आवादेश सर्वत्र यहां पर क्या हो रहा है, गुण आवादेश वो यवह छूट गया, यवह यूयते यूयते इति यवह मिलाना, अथवा रूढ़ क्या हो गया संज्ञा में तो जौ, जौ को बोलते हैं यवह, जौ होता है ना जो खाने वाला, इसके बोलते सातु मराठी बोलते ना सातु, जौ अंत में पुई पवने से पवाहा पवित्र करना, गुणावादेश सार्धार्थ गुण हो गया है चाहे सवादेश, घय अर्थे का विधान, वार्तिककार कहते हैं घय प्रत्यय का जो अर्थ क्या है, भाव, भाव अर्थ में घय का अधिकार चला था, उसी अर्थ में अपने अच भी किया भी किया, उसी अर्थ में कह रहे हैं क प्रत्यय भी विधान हो जाए, फल है इसका क है कितन से लोप आज कार्य होगा, गुणा भाव वगैरह फल है ना, प्रस्त प्रतिष्ठन्ति धान्यानि अस्मृति प्रस्ता प्रतिष्ठन्ति जनाः अस्मृति, प्रमाण विशेष और पर्वत का शिखर दो अर्थों में होता है,
प्रतिष्ठन्ति धान्यानि अस्मिन्। एक नाप बोलते हैं प्रस्थ, एक प्रस्थ कितना होता है 64 सेर बोलते हैं एक प्रस्थ, 64 सेर लगभग जो है बन जाता है वो 55-56 किलो, आज की भाषा में किलो में, एक किलो में एक सेर 180 ग्राम 90 ग्राम कुछ होता है, सेर छोटा है किलो बड़ा है। प्रस्थ प्रस्था धातु है, घई अर्थ में क विधान कर दे, क प्रत्यय प्रस्था क दशक पते दीते कित संज्ञा हुई, कितना क्या हुआ आ तो लोप इटी च आकलोप प्रस्थ मिला दिया प्रस्थ स्वपति प्रस्थ। दो अर्थ में एक तो नाप रहे विशेष है 64 शेर अर्थ में, और दूसरा अर्थ क्या है पर्वत के शिखर को भी बोलते। प्रतिष्ठन्ते जनाः अस्मिन् शिखर के ऊपर लोग रहते हैं, ज्यादा पर्वतों में ज्यादातर ऊपर रहते हैं लोग, नीचे नहीं रहते हैं, क्यों मुझे डर है नीचे ऊपर से कोई पत्थर आके गिरेगा तो मर जाएंगे, इसलिए अधिकतर पहाड़ों में जो घर बहुत ऊंचा ऊंचा में बनाते हैं, ऐसी जगह बनाएंगे जहां कोई पत्थर आके गिरेगा ना ऊपर, उस तरह देख करके बनाना पड़ता है। जहां लोग अपने निवास स्थान आदि बना रहे तो स्थान का नाम भी प्रस्थ मैंने पर्वत का शिखर आदि देश। विघ्न विघ्नंती मनांसी यस्मिन, विघ्नंती मनांसी यस्मिन, मन की वृत्तियां बिगड़ जाते हैं जहां, उसको बोलते हैं विघ्न। वीप सपूरक क्या हो गया हन धातु, वीप सपूरक हन धातु, हन धातु से क क क अ वी हन अ वी हन अ क क्या कर को क्या हो जाएगा कित्वात गम हन जन खन कसान लोप किंगित रंगी से उपधा के आकार का लोप हो गया। वी हल न हल अ हो हंतेर इनिन्नेश कुत्त होगा धातु के हकार को घा हो गया, वी हाक हो गया घ न पर है उससे पर में कक अ है, वी घ न अ मिला दीजिए विघ्न स्वायत्पत्ति विघ्न। मन की वृत्ति विशेष रूप में बिगड़ जाता है जहां विशेष है ना हंदी मनांस, मन की वृत्तियां विशेष रूपेण नष्ट हो जाते मैंने खराब हो जाते, उसको बोलते विघ्न आ गया, बोलते ना अरे ओ ये तो विघ्न हो गया, काम घर से निकले अच्छा काम के लिए सामने भूत प्रेत दिखाई दिया, थोड़े भी दिखाई दी कोई वेश्या दिखाई दिए है, इधर सुअर सामने आ जाए, ऐसा को अच्छा नहीं मानते ना, और मुसलमान तो बहुत ज़्यादा खराब मानते सुअर को तो और कहते इसी के चक्कर में पृथ्वी आई नहीं तो हम पैदा ही नहीं होते, वरा अवतार है ना भगवान का इसलिए चढ़ते हैं उसे, ये वरा अवतार में है भगवान इसी शरीर रूप धारण करके पृथ्वी को ऊपर उठा दिए समुद्र से, इस चक्र में क्या हो गया ये हिंदू हो गए, नहीं हिंदू हो गए ना उनके शत्रु बन गए, और उनके चक्कर में हम लोग पैदा हो गए शत्रु के साथ, मुसलमान चढ़ते हैं सोरों से देखना नहीं चाहते जहां देखे उसको मार, हाँ लोग क्यों नहीं आएंगे, अरे उनके खोलने से हम ही आ गए ना, मैं पहले दिक्कत हुआ हम पहले आ गए, उनके भगवान उठाते तो शायद हम लोग होते ही नहीं ना चक्कर ये। द्वितः क्त्रिहि द्वितः पंचम के एक वचन, क्त्रिहि प्रथमा का एक वचन, डू यही संज्ञा हुआ है जिनमें ऐसे जो धातु उन धातुओं को क्या कहेंगे हम द्वित धातु, कौन करता है डू की संज्ञा आदरी टुड़ावा जैसे दुपचस पाके दुधाए दाने डॉर डुवप ये सब धातु है ना डू है इनका आदि में, और आदरी टुड़ावा से डू की संज्ञा हुई है, ऐसे धातुओं को द्वित धातु कहते हैं, उन धातुओं से भाव अर्थ में त्रि होगा, त्रि में क्या बचेगा त्री कौ की संज्ञा होगी कित होगा, कित का फल क्या है आगे बताएंगे, उससे पहले एक और स्त्री प्रत्यय का निमित्त में एक विशेष कार्य करने जा रहे हैं, त्रेर मम नित्यम, त्रे है षष्ठी के एक वचन, मम पंचम के एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन, त्रे है पंचम का एक वचन षष्ठी नहीं, त्रे है पंचमी का एक वचन, त्री प्रत्यांश से पर में मप प्रत्यय होता है, मम दिख रहा है ना
मम है, प है वास्तव में, प को म हो गया, क्यों ये रो अनुनासी के अनुनासी को वा है वास्तव में मप, मप प्रत्यय पित्त हो जाता है, सुपित अनुदात अनुदात हो जाता है, स्वर हो गया। त्रेर मम नित्यम, मम है और जो वास्तव में मप है, प को म हो गया, हलंत पुलिंग में पड़ा है, हल संधि में पड़ा है, ये रो अनुनासी को अनुनासी को वा। त्रि प्रत्यांत जो प्रातिपदिक बन जाता है, त्रि प्रत्यांत जो प्रातिपदिक है उसे एक और प्रत्यय कर देना, क्या है प्रत्यय, मप प्रत्यय कर देना, किस अर्थ में भाव वही अर्थ रहेगा, लेकिन मप जो होता है वो नित्य होता है, कह दिया त्रि प्रत्यांता मप निवृत्त अर्थ सिद्ध अर्थ, निवृत्त मैंने सिद्ध, इस अर्थ पाकेन निर्वृत्तम, पाकेन निर्वृत्तम पक्त्रिमम, पाक के द्वारा सिद्ध किया गया, उसे कहते हैं पक्त्रिमम, दुपचस्पा के धातु है यहां